आपका हार्दिक स्वागत है। आज मेरा चैनल मोनिटाइज हो गया, तो आप सभी किसान भाइयों के प्यार के हिसाब से मेरा चैनल मोनिटाइज हुआ है। और इससे समझ लो कि अब किसान भाइयों के लिए ये जानकारी हम देने वाले हैं। तो हमारा वीडियो जो आप पहली बार देख रहे हो तो सब्सक्राइब करो, बेल आइकन करो और लाइक करो, अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को शेयर करो। आज हम बात करने वाले हैं राजा वेराइटी की, जिसमें बोंडली नहीं आती। इसकी फ्लावरिंग की आप बात कर सके देखे तो आप इसके फ्लावरिंग एकदम थड़ से लगा है, बोंड भी थड़ से आते हैं। तो आज हम किसान भाई से बात करने वाले हैं जिसके फार्म में आए हैं। ये हमारे गुजरात में है, अमरेली डिस्ट्रिक्ट में शीतल गांव में है आज। तो आज वो किसान जयसुख भाई की वाड़ी में है, तो जयसुख भाई से हम पूछना चाहेंगे। जयसुख भाई, ये कितने दिन की हुई है? 90 दिवस की हुई है। ये 90 दिन की हुई है। कितने स्प्रे किए आपने? 4। 4 स्प्रे किए है इसने। 4 स्प्रे में आपको ये वेराइटी कैसी लगी? वेराइटी बहुत अच्छी लगी, बहुत बढ़िया। इसके थड़ से बोंड आते है, मतलब आप देख सकते हो इसके थड़ से ही बोंड आते हैं। ये देखो जो एकदम करीब करीब से वो थड़ से ही बोंड है, आप देख सकते हो। तो और 5 पेसेज ज्यादा है, तो आप देख सकते हो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, मतलब 5 पेसेज ज्यादा है। इस हिसाब से इसकी रुई की वजन भी अच्छी आएगी और यील्ड भी अच्छी देगी। समझ लो ये खेत देख के हमें ऐसा लग रहा है कि 15 से 22 क्विंटल पर एकड़ यील्ड देने वाली है ये वेराइटी। ये वेराइटी दूसरी वेराइटी के कंपैरिजन में आपको कहीं बोंडली दिखी भाई? नहीं, बोंडली नहीं दिखी। दूसरी जो इसके साथ लगी उसमें होगी, उसके फूल में होगी। इसके फूल भी आप चेक कर सकते हो, कहीं बोंडली नहीं है। कोई भी फूल आप चेक कर सकते हो, ये फूल आप चेक कर सकते हो, या फिर ये चेक कर सकते हो, कोई भी ये पूरे फार्म में कोई भी फूल आप चेक कर सकते हो, उसमें बोंडली नहीं आती। ये वैरायटी की समझ लो तो आप पूरे खेत में आप पूरे देख सकते हो कितना अच्छा फ्लावरिंग लगा है। ये देखो आप पूरा खेत है, तो आज वो 90 दिन की हुई और इतने बड़े बड़े बोंड आना शुरू हो गया, तो ताजुब लग रहा होगा ना? नहीं, ये पैदावार अच्छी आएगी इस साल, जो अगले साल करते थे उससे कुछ नया मिल गया। और बोंडली की डर भी निकल गई, जो गुलाबी इली बोलते हैं, पिंक बॉल बोलते हैं, उसका डर भी निकल गया। तो आप किसानों को क्या संदेश देना चाहिए? ये वैरायटी लगानी चाहिए कि नहीं लगानी चाहिए? लगानी चाहिए, और अच्छी है। दूसरी वैरायटी करते बहुत अच्छी लगी हमने, मतलब ये वैरायटी आपको बहुत अच्छी लगी। उसके थोड़े से बोंड आना शुरू हो गया और बोंड भी बड़े बड़े है और वेट अच्छा मिलने वाला है वैसा आपको अभी लग रहा है, क्योंकि उसका बोंड बहुत बड़ा है और थोड़े से आते है। और उसके फूल फ्लावरिंग देखे तो पूरे खेत में आप देख सकते हो, एकदम बढ़िया वेराइटी है। मतलब लगाने के लिए किसी को भी आप बोल सकते हो। इसके थड़ से ही बोंड आते हैं, आप देख सकते हो जो इसके बोंड कितने छोटे पौधे में कितने बोंड बन गए हैं, 5 पीसेस ज्यादा है। आपको फोकस कीजिए, शुक्रिया। आप देख सकते हो ये पूरा खेत है और इसकी हाइट भी आज 4-4.5 फीट की हो गई है। और इसका फ्लावरिंग आप देख सकते हो, चलो यहाँ पे देख लो। ये देखो बोंड, कोई ऐसा नहीं है कि इसमें समझो अभी 20-25 बोंड बन चुके हैं, वो भी बड़े बड़े। और इतना फ्लावरिंग है, अभी तो कच्ची है, समझो 90 दिन की हुई है, अभी तो उसका पकने का पूरा दिन बाकी है। और अच्छी यील्ड भी इसमें आएगी। तो जो आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो किसान भाइयों, तो इसे शेयर करो, सब्सक्राइब करो और बेल आइकन करो। और कुछ भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो हमें कमेंट करो, कमेंट में हम अपना नंबर देंगे। जो आपके खेत में कोई भी दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हो, तो हम आपको अपना नंबर देंगे और आपके जो भी खेत में प्रॉब्लम है उसके सॉल्यूशन हम बताते रहेंगे। धन्यवाद।